मैं मृत्युंजय आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बेसिकली हम पिकनिक पे जाने वाले हैं रेजोनेंस की तरफ से, तो बूंदी जा रहे हैं जो कि यहां से करीब करीब 1.5 घंटे के रास्ते पे है। तो बेसिकली कार से जा रहे हो तो करीब करीब 1.5 घंटा लगेगा, 35 किलोमीटर की दूरी पे है और काफ़ी सारे फोर्ट वगैरह है और भी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर करूंगा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। आप पीछे देख सकते हैं इतने सारे कार्स लगे हुए हैं, तो अभी हम कार से ही जाने वाले हैं, तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं, उसके बाद फिर बूंदी जा करके आप सभी लोगों से मिलते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से गढ़ है पूरा का पूरा, और यहाँ पूरा का पूरा व्यू देखिए, व्यू देखिए, पंछियाँ उड़ रही है, किस तरीके से जामा मस्जिद टाइप का आपको व्यू दिख रहा होगा, एकदम बहुत ही धासू, कितना क्लासिकल है, एक नंबर का। और ये हमारे साथ ही आए पिकनिक पे, और पूरी की पूरी पीछे की टीम भी आपको दिख रही होगी। तो भैया आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बूंदी शहर एक बहुत ही शानदार शहर है। यहाँ पर अगर राजस्थान में देखा जाए तो दो ही ऐसे शहर है जैसे उदयपुर और बूंदी, ये फेमस है माउंटेन के लिए। हाँ, आगे चल के और भी एक्साइटमेंट आने वाला है, बहुत तो, अच्छा एक्साइटमेंट आएगा। अभी अपन और बताते हैं आगे चल के आपको। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शॉप वगैरह है, वहाँ पे भी हम नाश्ते करने के लिए उतरे हैं, और यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध लस्सी का मतलब है। तो अभी कुछ देर में हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट का माहौल है वो आप देख सकते हैं पूरा किस तरीके से, रोड पूरा भरा हुआ है। तो कई दिनों बाद मतलब यहाँ पे आने का मौका हुआ, आए हुए हैं और यहाँ का प्रसिद्ध लस्सी हम खा रहे हैं। लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हमने अपना कार पार्क करा है और यहाँ पर आकाशवाणी का सेंटर है, और यहाँ से हर चीज़ें जो भी सैटेलाइट की चीज़ें होती है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, लोगों को कम्युनिकेट करी जाती है। और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो आपको फोर्ट दिख रहा होगा, अभी हम उसके ऊपर जाएंगे और वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आपको ये फोर्ट दिख रहा होगा। राजस्थान बहुत ही प्रसिद्ध है अपने गढ़ों को लेकर के, यहाँ पर सेना के लोग रहते थे अपने, मतलब यहाँ पर लोग खाना वाना भी संचार करते थे सैनिकों की, यहाँ पर सुझाव प्रसाद बहुत सारा चीज़ होते थे, पहले के राजा महाराजा लोग यहीं पे रहते थे। तो अभी अपन ऊपर जाएंगे और ऊपर से अपन चीजों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो मिलते हैं ऊपर। हम लोग एडवेंचरस ट्रिप पे आ चुके हैं और अगर अभी अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर बहुत ऊंचाई पे है, तो अभी अपन जा रहे हैं, पहले तो हम नीचे जा रहे हैं फिर ऊंचाई पे जाएंगे। वही नीचे जाए चाहे ऊपर, बट बहुत ऊपर में जाना है, तो मिलते हैं ऊपर। डरावना जगह आपको दिख रहा होगा, पूरी तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के अपन लोग इसको देखने वाले हैं, तो ऊपर मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तारागढ़ फोर्ट भी लिखा हुआ है, और ये पूरा ऊपर, अभी अपने को ऊपर इलाका में जाना है तो यहाँ से सीढ़ी है, और यहाँ पर लोग थके हारे एकदम, पूरा गर्मी के मारे लोग पूरा थक चुके हैं। तो अपन इधर देख सकते हैं पूरा का पूरा एकदम इलाका है, देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब पूरा का पूरा एकदम फॉरेस्ट है, एकदम सुनसान इलाका। अभी पूरा यहाँ पे देखिए, ये सबसे टॉप फ्लोर पे अपने को जाना है और वहाँ से फिर नज़ारे आपको दिखाते हैं। चलिए आगे, रानी महल है और इसके अंदर अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं और अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से माहौल बन रखा है, पूरी तरीके से लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, पूरा इलाका एकदम पूरा एकदम भयंकर तरीके से पुराने किलों की तरह दिख रहा है एकदम। और भी आगे एक्सपोज करते हैं सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फोर्ट और यहाँ पे झाड़ियाँ पूरा, पता नहीं लोग पहले कैसे रहते थे। और यहाँ पे हमारे साथ जो पिकनिक में लोग आए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे पूरा, तो हम लोग अभी इंजॉय करने वाले हैं और भी आपको ऊपर ऊपर के नज़ारे अभी दिखाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बादल आप देख लो, कितना ब्यूटीफुल बादल का नज़ारा है, बहुत सारे होंगे बट देखिए किस तरीके से झील का पानी, मतलब कितना खूबसूरत इलाका है पूरा, पूरा का पूरा ये फोर्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पानी, और यहाँ पे आप एकदम देखो झाड़ियाँ, तो मतलब किस तरीके से फोर्ट पहले के लोग रहते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कितना अच्छा समागम है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन आगे चलते हैं। लग रहा है अभी, अरे बहुत शानदार, यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई चीजें देखने का मजा कुछ और ही है। तो आपको अभी और क्या क्या आपको लग रहा है एक्सप्लोर करने का, आपको क्या क्या नया चीज मिला है यहाँ पे देखने को मिला कि पुराने जमाने में भी किस तरह से पानी को स्टोर करके पूरी व्यवस्था की गई। तो पानी के बारे में भैया जैसे बोल रहे हैं तो आप देख लीजिए कि पानी किस तरीके से है, अभी कुछ लोग बॉटल वगैरह फेंक रखे हैं, बट देखिए कितना कुदरत के नज़ारे यहाँ पे रहे, तो भयंकर तरीके से यहाँ पे एक्चुअली सबको अपना लवर्स वगैरह का नाम भी लिख रखा है, तो मुझे नहीं पता वो सच्चाई है या नहीं। तो और कुछ अपने बारे में आप शेयर कीजिए जो आपको। बूंदी जो है वो
सबसे प्राचीन किले के रूप में तारागढ़ का किला प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी टाइम से काफी सारी चीजें रही हैं और लोग बाग देखने के लिए बहुत सारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो हमारा सजेशन है कि आप जब भी राजस्थान में आए या कोटा के आसपास बूंदी जिले की तरफ आए तो एक बार विजिट करके जरूर जाएं। ओके भैया, थैंक यू। सर है सर, तो आपको एक्सपीरियंस आपका क्या रहा अभी तक और आगे क्या एक्सपोजर का? हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सब लोग मृत्युंजय का जो ब्लॉग है उसको फॉलो करिए। थैंक यू सर। और आज हम लोग आए यहाँ पे पूरी टीम के साथ में, रेजिडेंस टीम के साथ में, रेजिडेंस कोटा के पास में एक बहुत छोटा सा शहर है बूंदी, वहाँ का एक किला है तारागढ़, तारागढ़ फोर्ट। तो हम लोग अभी तारागढ़ फोर्ट पे बिल्कुल, हालांकि मौसम में काफी गर्मी और उमस है लेकिन यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य वो देखते हुए बनता है। और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से आपको मृत्युंजय कुमार बहुत बढ़िया आपको यहाँ की यात्रा करवा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखा रहे हैं। आप इनका ब्लॉग एंजॉय करिए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब भी आपको कोटा आने का मौका मिले आप बूंदी भी जरूर आए और तारागढ़ फोर्ट देख के जाइए ना, यू विल लव दिस प्लेस। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ अभी है विकास भैया, तो भैया आप बताइएगा कि क्या है आपको यहाँ का, क्या खास लगा अभी तक का? माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन। कुछ और भी आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि और क्या क्या देखने लायक है जो लोग और आना चाहते हैं बूंदी? इसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। और कुछ खास बात, जैसे कि ये जो पानी आपको दिख रहा है तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस आप दिखा सकते हैं क्या? मतलब क्या है इसका इम्पोर्टेंस? ये वो कुंड है जो किसी जमाने में पूरे राजस्थान को प्रोटेक्ट करता था। तो आप सुने अभी कि भैया बोल रहे हैं कि ये जो कुंड है वो पूरे के पूरे राजस्थान के जो भी लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के काम से, मतलब है किसी जमाने में बूंदी राजस्थान का पावर सेंटर था। ओके भैया, उस जमाने में जो भी इस किले को जीतने आता था वो केवल यहाँ के पानी के स्रोत के कारण हार जाता था। बताइए। और ये किला लगभग अभेद्य रहा अंग्रेजों तक, एक बार टूटा पर फिर दोबारा कब्जे में किया गया यहाँ के झला और हाड़ा राजपूतों के द्वारा। ओके भैया, ठीक है। तो आगे और भी व्यूज आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। हेलो व्यूअर्स, आज हम आए हैं बूंदी शहर में, कोटा के नजदीक, राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है इसे। और कोटा से हमारे रेजोनेंस की पूरी टीम यहाँ पर, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं हम इसे। बारिश अभी अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हो के चुकी है, तो आज अच्छा मौसम है और सभी का साथ है सबसे बड़ी बात। और बूंदी जो कि बहुत ही फेमस जगह है कोटा की, बाहर से काफी टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी टीम आकर आज एंजॉय कर रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी की तरफ अपना कैमरा दिखाकर दिखाएंगे हमारी पूरी टीम के मेंबर्स एक बार। हेलो इधर भी कर दीजिए सब। और ये हमारी पूरी टीम के मेंबर्स हैं और अभी हम किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किले में अभी हम जा रहे हैं। हाँ, तो अभी देखिए वहाँ से एक सामने से हेलो हाई भी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और फिर आपको और अच्छी अच्छी चीज दिखाते, मिलते आगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ऊपर चढ़ने के बाद आपको फोर्ट का नजारा दिखाएंगे। तो बेसिकली फोर्ट में, जैसे आप पीछे भी देख सकते हो इधर साइड में एक फोर्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये फोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पे लोग रहते थे पहले, फोर्ट में लोग सामान वगैरह, किला वगैरह वगैरह बना हुआ रहता था, यहाँ पे सैनिक लोग पहले रहते थे, आम पब्लिक भी रहती थी। तो पूरा का पूरा ये जो नज़ारा एकदम बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको फ्रंट बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का नज़ारा है, तो एंजॉय कीजिएगा। हम लोग वो पीछे का जो भी इलाके मॉन्यूमेंट्स थे, ऊपर से जो भी नज़ारे थे वो हम घूम लिए हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब शायद हम लोग कोई दूसरा चीज एक्सप्लोर करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल्डिंग्स है वो कितना पुराना है और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे सब जो पहले के लोग रहते थे वो अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें, जो स्ट्रांग होता था। और धूप काफ़ी ज़्यादा है, पसीने पसीने हो गया हूँ, बट फिर भी घूमने का जो शौक है, जो हिस्टोरिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का जो एक जुनून है, वो कहीं ना कहीं मुझे आगे और मोटिवेट कर रहा है कि चीज़ों को और एक्सप्लोर करूँ। तो और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आपके सामने आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से बूंदी शहर बसा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और वहाँ पे एक छोटी सी झील, तो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ी के इलाके हैं। और इधर देखो पूरा का पूरा एकदम बूंदी का शहर पूरा बसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लैश लाइट जला दिया गया हो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वही खंडहर वाले इलाके जो भी थे, जंगल वगैरह, तो इधर का पूरा जो हमारा बूंदी शहर है वो पूरा का पूरा बसा हुआ है। और यहाँ पर जो झील है बीच में वो इसमें लाइटिंग पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी इलाके हैं, नीचे छोटी सी झील बह रही है और यहाँ पर जो हमारे साथ जो भी लोग आए हैं वो यहाँ पे एंजॉय करते हुए। और आप देखें एकदम कितनी पहाड़ी वाले इलाके, झील वाले इलाके, तो कितना कुदरत का खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि अभी हम लोग लंच करने के लिए आए हैं, नबल सागर पैलेस में आए हैं,
तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे साइड पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट टाइप का है। मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ और मैं आपको आगे का भी व्यू दिखा देता हूँ। ये जो है एक पूरा का पूरा पैलेस है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से नीचे में मतलब इसको मतलब बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बैक से दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक पूरी तरीके से पीछे झील है, तो वो झील का भी नज़ारा वैसे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बनावट किया गया यहाँ पे लोगों को लंच वगैरह करने के लिए, जो भी लोग खाना वाना खाना चाहते हैं उनके लिए है। मेरा भी हमारे टीम के लोग हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो झील है एक तरीके से, यहाँ पे जो पैलेस है इसमें हम लोग अभी रुके हुए हैं लंच के लिए। यहाँ पर पूरा झील का जो भी इलाका है वो झील वाला, और भी बाकी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं। और ये इधर का एक और व्यू है जो आप देख सकते हो, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका, ये खूबसूरत सा इलाका। आ गए होटल में और अभी हम लंच करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार मैं लंच का आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस होटल में आए हैं तो वहाँ का लंच का ये सीन है, और इसमें ये खाने हैं, मुझे तो सबका नाम भी नहीं पता, बट ये सारे मेन्यू हैं, तो अभी हम खाते हैं फिर आपको बात करते हैं। जिसमें आपने बोले देखा उसमें इस राउंड के विनर हैं, दोनों टीमों ने अच्छा अपना बेस्ट दिया है, लेकिन जो विनर है वो है टीम ब्रिज विनर। यहाँ पे लोग अंतराक्षी कर रहे हैं, तो सब अपना अपना टाइप का सॉन्ग गा रहे हैं, तो सॉन्ग का देख रहे सकते लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ पे ग्रुप भी, और यहाँ पे लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका हम आनंद लेते हुए और इस तरीके से अंतराक्षी लोग यहाँ पे। ये राउंड खत्म हुआ है, इसी के साथ विनर है टीम ए। आप देख सकते हैं पीछे सब कोई बैठे हुए हैं और बस अभी हम लोग चाय पी करके बस अब निकलने वाले हैं। आज का जो दिन रहा वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, और बस अब चाय पी करके अपन निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसा कुछ आज हमारा दिन रहा, हमने बहुत ज्यादा मस्ती करी, हमने ट्रैकिंग करी, हमने कई सारे गेम्स खेले, और आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा रहा, मतलब काफ़ी मेमोरेबल रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिन लोगों ने भी लास्ट तक ब्लॉग देखा होगा उन्हें काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में कुछ अप्रिसिएशन लिख देना, सो डैट कि मैं और अच्छी तरीके से ब्लॉग में, और हाँ अगर कुछ भी फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज़ गिव इन द कमेंट सेक्शन, सो डैट आई विल टेक एंड आई विल गिव माई बेस्ट, सो डैट कि मैं अगली बार और अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।